हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी इधर 11:15 हो गया और सबसे पहले मुझे आपसे एक चीज़ पूछना है। मैं हाय एवरीवन बोलते हैं ना, उसके बजाय मैं कुछ और बोलना है, क्योंकि चुंग से है ना मेरा मजाक बहुत उठाते हैं। वो बोलते हैं हाय एवरीवन। ऐसे मैं वीडियो का स्टार्ट करती हूँ, शायद सबको इरिटेशन हो रहा होगा। मुझे भी मालूम है, कभी कभी मैं भी सुनती है तो है ना ऐसा था हाँ एवरीवन, फ़ोन का रिंग बजाता है ना, वैसे ही। इसलिए आप लोग ही मुझे सजेशन देना, कुछ और बोलना है। हाँ ठीक है। अभी सुबह सुबह है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमारा क्रिसमस ट्री इधर रखा है, पहले उधर था ना हीटर के पास रखकर है ना, इसका देखो ए साइड लीव्स है ना थोड़ा सा सूख लिया है, क्योंकि हमारा हीटर है ना खराब हो गया। खराब मतलब देखो ये निकल कर आ गया। अभी टेम्परेचर है ना एडजस्ट नहीं कर पाता है, ये अभी बहुत गर्म है, इसलिए उसको उठाकर उधर रख लिया। प्रॉब्लम क्या है ना, ये बेड किधर रखना है, कोई जगह नहीं है। शेड के अंदर भी नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि शेड पूरा फ्लड हो गया है ना। अभी उसका सोल्यूशन निकलना है। और आज है ना मैं ये सोफ़ा का भी है ना मेकओवर करने वाली हूँ। उसका सामान देखो इधर आ गया। और मैं इधर थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया था सुबह, उसी का सामान है। ये सोफ़ा के लिए ना सोफ़ा कवर खरीदा था मैंने अमेज़न से। और आप लोग टेंशन मत लेना, ये आकर है ना अभी ये तीसरा दिन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने का। ये है सुपर स्ट्रेची फोम फिटिंग सोफ़ा कवर। हमारा सोफ़ा ग्रे कलर है ना, जल्दी गंदा होता है और बीच बीच में मुझे वॉश करना पड़ रहा है। एक दिन में है ना सिर्फ एक ही पार्ट वॉश कर सकता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी छोटा है ना। इसलिए मैंने सोचा एक नया कुशन कवर लेती हूँ। में ना जैसे पिक्चर दिखाया वैसे एक्सैक्टली वो कलर आ गया। शायद मेरे कैमरा में ना थोड़ा लाइट कलर है, थोड़ा डार्क कलर है। मुझे एक्चुअली येलो कलर चाहिए था, लेकिन रिव्यू में बहुत सारा कलर उन लोगों ने दिखाया, पिक्चर दिखाया है, लेकिन सिर्फ येलो कलर का नहीं था। मुझे चाहिए था मस्टर्ड येलो कलर। सोफा को सारी सुपर। मैंने एक हेल्प मांगा, मैंने आपका वेट किया इतना टाइम। मेरा हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ा, और क्या चाहिए तुमको। इससे अच्छी बात क्या होती है कि तुम मतलब इंडिपेंडेंट हो गई हो एकदम, कोई डिपेंडेंसी नहीं है मुझ पे। देखो देखो, लेकिन आपने ये पूछा ही नहीं कब कुशन कवर खरीदा। कुशन कवर मैंने देख लिया था कि तुमने अमेज़न से लिया है, तो ऑर्डर में था तो वो तो देख लिया था, लेकिन ये वाला थोड़ा आगे क्यों आ रहा है वो फिक्स नहीं किया अभी तक। सोफा का पूरा मेकओवर हो गया। मुझे तो बहुत 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 पसंद आ गया। पहले सोचा था येलो कलर ज्यादा बेटर था, क्योंकि मुझे येलो चाहिए था, लेकिन ये भी है ना औसा है ना, बहुत अच्छा है। रिवील करूं? बहुत सुंदर है ना, मुझे तो बहुत पसंद आ गया। और ये कुशन है ना ग्रे सोफा ग्रे कलर से ज्यादा इसके साथ सूट हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। और ये डालने में भी है ना बहुत इजी है। और इसके साथ है ना ऐसा एक ब्रश मिला है, फिर ये इसको क्या बोलते हैं कुछ तो ये सामान सब पैक करते हैं ना वो सामान मिलता है ना वो ऐसा ये अंदर ऐसा कर कर फिट करने के लिए। और ये कवर का प्राइस है ना कुछ 40 या 42 ऐसा कुछ तो है। आप लोगों का सोफा ऐसे कुछ खराब हो गया तो ना ऐसा कवर डालकर एकदम नया कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग सा कुशन और थ्रो डाल दो, सोफा तो एकदम नया बन जाएगा। अच्छा है ना। अभी वेट कर रहे हैं चुनसी और खुशी का, उनका एक्सप्रेशन क्या है। तुम तो मुझे मालूम था तुम्हारा देखो और माता उसको इस पे नहीं है, देखो उसको वो बेड क्यों हटाया उसी पे दुख है। नया सोफे पे एक कमेंट भी नहीं डाला नहीं तुमने। देखो ये उसका रिएक्शन। खुशी का वेट चल रहा है यहाँ पे, चुंगसी अभी आएगा लेके इस बार इस गेट से नहीं, उस तरह से आना, थोड़ा लंबा रूट है, थोड़ा टाइम लगेगा। आने के बाद खुशी का एक्सप्रेशन तो मुझे देखना ही है। चुंगसी का तो आप लोग देखा है ना, ऐसा ही था और कुछ भी नहीं था। अभी खुशी का देखना है। नॉर्मली मैं ना ये सब संतोष के लिए करते थे। संतोष जब ऑफिस से आते थे है ना, वापस आकर संतोष को सरप्राइज होता था। हाँ। पूरा सेटिंग चेंज हो जाता था। अभी वो नहीं, अभी सिर्फ खुशी से एक्सपेक्टेशन है। ये सब करने के बाद कोई तो ऐसा ताली बजाना चाहिए ना। देखो ऐसा खरीदा है घर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को एकदम। देखो अभी आपको और दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम शानदार। सिर्फ 40 पाउंड में सोफा का मेकओवर हो गया है ना, पूरा मेकओवर हो गया। यहाँ पे एक और मेकओवर हुआ है देखो यहाँ पे अंजू को जो बैठ के अपना एक्सरसाइज करती थी साइकिल पे, आपको याद हो उसने ना खरीदा था अमेजन से, मिलता था 60 पाउंड में लो, और उसमें बैठा करती थी वो अभी हटा दिया उसने। अभी उसको लग रहा है कि योगा कर रही है तो अभी उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। और ये ट्री देखो, क्रिसमस ट्री भी यहाँ लगा रखा है कॉर्नर में। अभी सब चेंज हो गया, अभी सेटिंग। क्रिसमस ट्री खरीदा है एक्चुअली। आज खुशी श्रुति ने मुझे बताया था रियल क्रिसमस ट्री रख लिया तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सूख लिया तो ना हीटर के सामने रख लिया तो शायद आग लगने का चांसेस है। आप लोग बता देंगे कैसे रखने, इसमें कैसे, मतलब ऐसे ही रखना है। इसमें कुछ पानी किधर डालना है, पानी तो नहीं डाल सकते है ना, पानी तो नहीं, पता नहीं। आप लोग पता नहीं इसका केयर कैसे करेंगे या ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस है। मुझे एक बार इच्छा था ऐसे रियल ट्री लेकर आना है। एक्चुअली मेरा इच्छा था इस बार खुद का घर में रियल ट्री रखने का, लेकिन ठीक है खुद का घर में है ना, हम लोग बड़ा सा क्रिसमस ट्री रखेंगे। रिएक्शन टाइम खुशी ने तोड़ डाली। खुशी ने क्लास आने वाले सुन चंगा बनने को। What did you do? It reminds me of the ocean. Amar poi. किचन थोड़ा मेसी हो रहा है अभी किचन नहीं दिखा रहा हूँ। सीरियसली खुशी? खुशी का क्लास में किसी? Yeah, that's why she's been away for 2 weeks. Who said she had virus? her friends. Maisie. Well, is it real? I'm guessing. That's why she. True. Then why would she be away for 2 weeks? See, that maybe she may be quarantining. No, maybe no, she don't have anything, but she might have just quarantined. I don't know. Okay. Okay. Don't touch me. No कर सोफा का हालत देखो ले ऐसा वाला लड़के लोग घर पे होते ना देखो देखो बच्चे लोग घर पे होते ना सोफा कभी भी ठीक से नहीं रहता है कितना भी हम लोग अच्छे से सजा लो यही होता है हालत। हाँ अभी ये लेसी चुंगसी खुशी और संतोष मिलकर है ना ऑसम डेकोरेशन करने जा रहे हैं। आप लोग को देखना है तो अभी के अभी लाइक कर लो लाइक किया और सब्सक्राइब भी कर लो और नहीं सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को बोल रहे हैं। और हाँ वो भी कर सकता है फोर्स नहीं कर रहा है। पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना। अब हम लोग ये स्टिकर लगाने वाले हैं इसमें इस तरफ हम लोग डियर लगाएंगे और एक ये है एक्चुअली पिक्चर मतलब दिखा रखा है ना ऐसा बनाना है हमको क्रिसमस ट्री और बीच में ये मैरी क्रिसमस लिखना है और फिर ये हैंगिंग स्टार्स लगाना है। इन दोनों ये भी डेकोरेशन कर रहे हैं। मैं इधर कुकिंग कर रही हूँ। आज पालक पनीर है। झुमसी देखो सो गया क्योंकि सुबह है ना बहुत जल्दी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सुबह रिचमंड पार्क इसलिए अभी शाम को भी है ट्रेनिंग इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो तो फुल निकल है ये ना हाथ से स्टिक नहीं करना है ऐसा है कुछ कार्ड या ऐसा कुछ कार्डबोर्ड है ना उससे ऐसा प्रेस करके स्टिक कर रहे हैं। हाँ नहीं तो बबल्स आएगा। ये सब काम ना जो मेरे से ज़्यादा अच्छा होता नहीं है ये सब मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ये काफ़ी पेशेंस का काम है। Oh, just go upstairs. कितना भी नींद है एथलेटिक्स हम लोग नहीं छोड़ेगा। करेक्ट टाइम में देखो उठ गया उठकर रेडी हो गया देखो 7 बजे हो गया। मैंने सोचा इसको डिस्टर्ब नहीं करना सोने दो लेकिन उसको जाना है। गुड मॉर्निंग। सुबह खुशी को है ना थोड़ा सा पैनकेक बना रहे उसको पैनकेक है ना बहुत पसंद है इसलिए उसको स्पिनाच ओट्स पैनकेक बनाने जा रहे हैं। और कल मैंने आप लोगों को विंडो नहीं दिखाया ना स्टिकर लगाने के बाद सोचा थोड़ा सा लाइटिंग्स भी डाल दूँ उसके बाद दिखा दूँ। इधर एक क्रिसमस ट्री मेरी क्रिसमस क्यूट सा प्यारा सा एक डियर और उसके ऊपर बहुत सारा स्टार्स। मुझे था लाइटिंग्स है ना ऐसे नीचे से ऊपर ऐसा स्क्वायर शेप में डालने का लेकिन लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओट्स पैनकेक के लिए मैंने 1 कप ओट्स लिया है कोई भी ओट्स ले सकता है। देखो इतना सा स्पिनाच डाल दिया 1 मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा स्पिनाच 1 बनाना थोड़ा सा वनीला एसेंस और लास्ट में मिल्क। पानी नहीं ऐड कर रहा है सिर्फ दूध ही ऐड कर रहे हैं। अगर पानी डालना है तो अगर दूध की जगह पानी चाहिए तो सिर्फ पानी डाल दो। अभी इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। बैटर इधर रेडी हो गया अभी पैनकेक बना लेते हैं। पैन में थोड़ा सा बटर डाल दो छोटा छोटा पैनकेक ये बड़ा चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हैं। एक साइड हो गया पलट लेते हैं। पैनकेक पैनकेक यस। Oh my, is this a vegetable pancake? It's spinach pancake. Is it yummy? अंजू अपने नए स्टाइल में है आज सर पे पट्टा बांध के। अरे नहीं ये खुशी का टाइट्स है। मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ नया एडिटिंग में है ना कुछ इम्प्रूव लेकर आओ कुछ नया स्टाइल आप लोगों को स्टाइल से वीडियो बना दूँ। इस बार भी सोचा है सोचकर मैंने एडिटिंग का थोड़ा सीखने के लिए बैठा हल्का सा हेडेक होना शुरू हो गया। मेरा दिमाग हमेशा बोलते तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लो तुम सिंपल सा वीडियो बना दो। हमेशा होता है, इसको सर दर्द होता है लेकिन मानती नहीं है। मतलब काफ़ी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आराम करो, स्ट्रेस कम लो, लेकिन नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरा वीडियो में ना कुछ तो एडिटिंग नया होता है ना, कुछ अलग सा कुछ लेकर आओ, लेकिन वही है, मैं कोशिश कर रहे तो ना बहुत टाइम बैठे तो ना वो सर पे पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना मेरे लिए सूट नहीं होता है। ठीक है, अभी जल्दी है ना हम लोग कुछ व्यूवर्स का बर्थडे और शाउट आउट करते हैं और फन फैक्ट बताकर व्लॉग एंड कर लेते हैं। सबसे पहले है बर्थडे अमृता राजाराम डॉटर अर्पणा एंड मार्शल पणिकर, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे। अभी नेक्स्ट है मैरिज एनिवर्सरी शीला तवाड़े, अनुजा थक्कर, शिवानी एंड रोहित चब्रा, आप सबको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और आज का फन फैक्ट है दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो बन रहा है अभी, और वो बन रहा है इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर में, और उसका नाम है चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज जो है ये 359 मीटर्स अबाव द रिवर है, उतना ऊंचाई पर बन रहा है ये, और दुनिया का ये बन जाएगा तो सबसे ऊंचाई वाला ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा दुनिया का। और मतलब उसका जो मैं पिक्चर देख रहा था वो देख के मुझे इतना लगता है कि बाप रे, मतलब इतना ऊपर से ट्रेन जाएगा तो कैसा लगेगा। सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो इंडिया में बनेगा, चेनाब ब्रिज, CHENAB, चेनाब ब्रिज। आई होप कि आपको आज का ये फन फैक्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।